स्टूडेंट, हम लोग लीनियर इनइक्वलिटीज़ बात कर रहे थे। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट टाइप मीन्स आप कह सकते हो, जैसे ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसी में अपॉन में वैल्यू ना रहे, यानी ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के, अदरवाइज लेस दैन इक्वल टू के। अदरवाइज ए एक्स प्लस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू सी एक्स प्लस डी लिख दें, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर लिख दें, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते। बट सेकेंड टाइप में आपके अपॉन में क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो अब इस टाइप क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए अपॉन में, जबकि देखो एक में कांस्टेंट वैल्यू और एक अपॉन में है, ऐसा किसी में भी हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो जब लेस देन जीरो की बात करता है, तो आपको याद रखना है कि अब द साइन ऑफ ए अपॉन बी इज डिपेंड ऑन ए एंड बी बोथ, ठीक। बट आप यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर कांस्टेंट वैल्यू है, तो पूरा साइन किस पे डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा। जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो होल आंसर पॉजिटिव आएगा, जब ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी तो होल आंसर निगेटिव आएगा। दैट मीन्स आपको इस पूरे का साइन निकालना है, ये पूरा कब लेस देन जीरो होगा, मतलब कब निगेटिव होगा, तो केवल ये देख लो ये कब निगेटिव होगा। क्वेश्चन करते हैं, बोल दो दिस इज जीरो, लेस देन जीरो इम्प्लाइज दैट दिस इज जीरो, ये तभी जीरो होगा जब ये जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, नंबर लाइन बनाओ, इसका जीरो कहाँ पे है, थ्री पे है, थ्री पे है, तो थ्री की तरफ एरो बनाकर अब वैल्यू देखो, टू रखोगे तो टू माइनस थ्री आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इधर जाने पे निगेटिव आएगा, तो इधर जाने पे जाहिर सी बात पॉजिटिव आएगा। रख के देख लो, फोर रखोगे तो फोर माइनस थ्री पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। हम क्या चाहते हैं, निगेटिव, लेस देन जीरो चाहते हैं, मतलब निगेटिव चाहते हैं, तो निगेटिव कब आएगा, थ्री से इधर। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में जो भी रहे जीरो उसको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब वो सोल्यूशन में नहीं हो, क्यों, क्योंकि नीचे में जीरो आने का मतलब है पूरा आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, जैसे टू अपॉन जीरो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए नीचे में जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, तो इसलिए थ्री की तरफ हम लोग का कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओके, इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो देखिए, तो हम क्या चाहते हैं, थ्री से लेस देन, तो लेस देन पे जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलता है, ग्रेटर देन पे जाते हैं तो प्लस इन्फिनिटी मिलता है। तो ये अगर लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा है, और सोल्यूशन सेट आपका ये हो जाएगा। तो जब भी आपका एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक नॉन जीरो वैल्यू रहे, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन पे, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेस देन जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो, अदरवाइज कोई नंबर भी हो सकता है, तो क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, दोनों टाइप क्वेश्चन करेंगे। पहले आप देखिए ये क्वेश्चन कह रहा, सॉल्व द इनइक्वलिटी, इनइक्वेशन क्या है, x माइनस फाइव एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अब देखो, ये होल वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी, पहले तो ये समझो, पहले तो इसका जीरोज निकालते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ए अपॉन बी में नोमरेटर का अलग जीरो निकालते हैं, डिनोमिनेटर का अलग जीरो निकालते हैं, जीरो निकालते हैं मतलब कब ये वैल्यू जीरो होगी। तो देखो, x माइनस फाइव जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू फाइव होगी, और x प्लस टू जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस टू होगी। ओके, इन्हीं पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब हम चाहते हैं ये होल वैल्यू लेस देन जीरो, लेस देन जीरो को मतलब निगेटिव हो, तो अब समझो आप इसको और क्या लिख सकते हो, इसको हमेशा क्या किया करो, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर दो समझो। ऐसा करने से नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर हो गया है, आई स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स साइन इज डिपेंड ऑनली न्यूमरेटर। ऐसा करने से नीचे अब देखने का कोई मतलब नहीं रहा, केवल ऊपर वाले का साइन देख लो, तो ये जब भी पॉजिटिव निगेटिव होगा उसी समय ये भी होगा, तो इसके बारे में जान लो तो ये आपको पता चल जाएगा। आप देखो इसके जीरोज देखो, एक जीरो फाइव पे होगा, अभी अभी आपने निकाला, एक जीरो माइनस टू पे होगा, इसका माइनस टू पे होगा, इसका फाइव पे होगा, आप समझिए। अब हमको वो वाला जीरोस लेना है जो कि इन दोनों की बातों को माने। तो अब देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव आप बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो, कुछ अलग से नहीं करना है, कोई भी एक वैल्यू ले लो। याद ये रखना है कि जैसे ही ये जीरोस मिलेंगे वैसे ही प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो, इस नंबर लाइन को जितने टर्म होते हैं उतने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि एक ज़्यादा पार्ट में, जैसे इसमें कितने हैं, एक फाइव पे जीरो, एक टू पे जीरो है, तो नंबर लाइन बनाया और एक फाइव पे कैंड बनाया। तो आप देखो, अगर इसके यहाँ से दो पार्ट के, तो इसके कितने पार्ट हो गए, अगर दो जगह पे आपने इसमें कट किया तो कितने पार्ट हो गए, वन टू थ्री। ऐसे अगर थ्री जीरोज होते तो कितने पार्ट होते, फोर। अगर फाइव जीरोज होते तो कितने पार्ट होते, सिक्स। जितने जीरोज होते हैं उससे एक ज़्यादा पार्ट होता है, जैसे कि एक लाइन है उसको एक बार कट करोगे तो कितने पार्ट होंगे, टू होंगे।
तो इसी तरह टू है तो थ्री पार्ट हो गए, तो एक इंडिविजुअल पार्ट में आप चेक करो और उसका प्लस माइनस लगाते जाओ, ये टेक्निक होती है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे अब हम इधर की वैल्यू पे चेक कर रहे हैं आपसे, देखते हैं क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे चेक करते हो तो आपको इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो वैसे चेक करो, -5 ये जो है -2 से लेस देन, यानी -3 -4 कोई भी एक वैल्यू रख के रखो, जैसे -3 मैं रख के रखा हूँ इस पूरी इक्वेशन में, -3 आप रखोगे तो यहाँ पे -3 -5 -8 -3 -1, तो -1 -8 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, +8, तो +8 आएगा तो इधर जाने पे आपको प्लस आ रहा, तो आप कह सकते हो सर इधर प्लस आएगा। अगर इधर प्लस आ रहा तो 100% यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे फिर प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि जीरोस का काम होता है प्लस को माइनस बनाना, माइनस को प्लस, तो ये जीरो इस प्लस को माइनस बनाएगा, फिर ऐसे माइनस माइनस करता हुआ चला जाएगा, ये जीरो इसको फिर प्लस बना देगा, ठीक, इसको बोलते हैं बेब कर मेथड। ठीक, अभी देखना कैसे, जैसे कोई भी वैल्यू चेक करो, जैसे जीरो पे चेक करो, जीरो पे ये जीरो हुआ तो -5, ये जीरो हुआ तो 2, -5 × 2 -10, यानी आंसर निगेटिव आ रहा है। देखो यानी आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। अब देखो 5 से बड़ी वैल्यू है 6, 6 लोगे तो ये 6 -5 1, 6 +2 8, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा 8, तो यानी यहाँ पे वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो आप देख सकते हो बड़े आराम से कि चीज़ें किस तरीके से गवाना हो। तो अब आप किसी भी, जो भी आपसे पूछा है, आपसे आंसर क्या पूछा है, लेस देन जीरो का पूछा है, लेस देन जीरो, तो ये लेस देन जीरो कब होगा, जब ये होगा, और ये लेस देन जीरो कब होगा, यहाँ पे होगा। तो बड़े आराम से देख सकते हो लेस देन जीरो यानी निगेटिव वैल्यू कहाँ दे रही, -2 से 5 के बीच में। याद ये रखना है कि स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो लिखा है, यानी कि 5 नहीं लेंगे, और 2 तो अगर इक्वल टू भी लगा होता तो नहीं लेते, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू का जीरो को कंसिडर नहीं करते सोल्यूशन में, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगी, ये एकदम से याद रखो। लास्ट में सोल्यूशन निकालते समय देखो कि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा, अगर हो रहा तो उसको एलिमिनेट कर दो सोल्यूशन से। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 और 5 के बीच में, तो -2 और 5 के बीच में। अब ये सोल्यूशन को सोल्यूशन सेट में ऐसे देखे स्ट्रिक्टली है तो ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, इसको नंबर लाइन में डिनोमिनेट करना है तो ऐसे कर, ओपन ब्रैकेट मतलब इस तरीके से सर्किल, अगर क्लोज होता तो कोई दूसरा लगाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले इधर जीरो होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए तो इसको इधर लाओ, सॉल्व करो, एलसीएम लेकर उधर लेते जाओ। ठीक, इसको सॉल्व किया तो -x +x का एलसीएम, ये -1 +3 तो 2 हो जाएगा, 2 / x -3। अब देखो ये लेस देन जीरो कब होगा, जब नीचे वाला जीरो होगा, ये तो क्वेश्चन किए हैं, तो 3 पे देख लो, 3 पे आप 4 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और इधर जाओगे तो 2 रखोगे तो निगेटिव आएगा, तो ये होल वैल्यू निगेटिव इधर होगी, पॉजिटिव इधर होगी। हमको क्या चाहिए, लेस देन जीरो, इक्वल टू चाहिए, इक्वल टू भी जीरो चाहिए, लेकिन नीचे की वैल्यू जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, नीचे जीरो मतलब इनफाइनाइट, तो इसीलिए उसको नहीं कंसिडर किया हमने, तो बोल दिया कि एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 3। देखो स्ट्रिक्टली लेस देन, लेस देन जाओगे तो -∞ जाओगे, सोल्यूशन हो जाएगा -∞। नंबर लाइन में डिनोटेट करना तो ऐसे, इधर देखो ओपन सर्किल में लगाया हमने, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किल नहीं लगाएंगे तो सवाल वाली वैल्यू होगी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 1/(x) <= 2), सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इधर जीरो होना चाहिए, ये टेक्निक है, एलसीएम ले लो, मतलब ये लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा यही हमको देखना है। ओके, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ऊपर वाला जीरो कब होगा, 1 - x जीरो कब होगा, निकालो, 1 - 2x जीरो, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, कब जीरो होगा, 1/2 होगा, नीचे जीरो पे जीरो होगा तो 0 1/2 होगा, तो हमने ले लिया इसको, इसका हमको साइन देखना है, मतलब इस डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये देखना है। अब एक जीरो कहाँ है, जीरो पे है, एक्स जीरो पे जीरो होता है, ये 1/2 पे होता है, अब हमको साइन देखना है, वही टेक्निक फिर से लगानी है जो आपको हमने पहले बताया है, कोई भी एक वैल्यू आप इसका साइन देखना है, मतलब इसका साइन देखना है, और इसमें इसको नहीं देखना, केवल ऊपर वाले का देखना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक वैल्यू ले लो जो आपको इजी पड़े। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, अब जीरोज वाले ही मत ले लेना, नहीं जीरो ले लोगे तो जीरो आ जाएगा, तो आप साइन कैसे देख पाओगे, कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, चलो लेते हैं, जैसे अगर आप चाहते हो कि सर इस बार हम इधर की वैल्यू पहले लेंगे,
तो वन पे चेक कर लो, टू पे कर लो, थ्री पे, तो हम वन पे कर रहे हैं। ठीक, वन पे करोगे तो वन माइनस टू तो माइनस टू, माइनस वन आ जाएगा, और वन तो माइनस वन वन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन। तो इधर जाने पे आंसर निगेटिव आ रहा। अगर ये निगेटिव आ रहा तो 100% रहो कि यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा और यहाँ पे फिर से निगेटिव आएगा। ठीक, एक्चुअली में ये ऐसे चलता है, तो ये कर्व मेथड इसको बोलते हैं ये। ठीक, तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर, तो भैया ऊपर जाएगा तो नीचे कब आएगा, माइनस में कब आएगा, जब कट करेगा एक्सिस को, तो जीरोज है ये। जीरोज मतलब जहाँ पे ग्राफ कट करे, तो कट करने का मतलब है वो ऊपर है तो नीचे आए, नीचे है तो ऊपर जाए, तभी तो कट करेगा, यही रीजन है। इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, इस वाले क्वेश्चन में भी वेव कर्व मेथड अगर अप्लाई करते हो तो ये देखो, ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे चल रहा है, ये देखो निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर। तो भैया जब प्लस में हो तुम, जीरोज मिला तो कट किया, फिर निगेटिव आए, फिर जीरोज मिलेगा तभी तो निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, तो ये वेव कर्व मेथड यही आपसे बोलता है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो पॉजिटिव आंसर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आपका लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो आप देखिए कहाँ पे आ रहा है, लेस देन जीरो यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे आ रहा, दो जगहों पे जा रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा और एक बार यहाँ पे। तो एक आंसर आ रहा है जीरो से लेस देन का, और एक आंसर आ रहा है वन बाई टू से ग्रेटर देन का। तो एक आंसर देखो आप बोल दो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन वन बाई टू से ग्रेटर देन है, तो वन बाई टू से इन्फिनिटी। इधर आप देखो इसमें इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब वो नॉमरेटर की वैल्यू इक्वल टू जीरो ले सकते हो, तो वन बाई टू तो आंसर में आएगा आपके, तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन जीरो नहीं आएगा, जीरो रखोगे एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो अपॉन में जीरो मतलब जीरो, अपॉन में जीरो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए इधर की तरफ हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट है, जो कि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, कुछ और प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन का ये तो बता देते हैं, लीनियर इक्वेशन की चलो कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक ये दिया एक ये दिया, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको किया सॉल्व, उधर ले गए सॉल्व किया फाइव कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, तो एक वैल्यू ये आई एक वैल्यू ये आई, दोनों को सॉल्व करो। एक कहता है फाइव से लेस देन जाओ, एक कहता है माइनस टू से ग्रेटर देन जाओ। तो अगर इसको अच्छे से देखो तो एक क्या कहता है फाइव से लेस देन जाओ, और दूसरा क्या कहता है माइनस टू से ग्रेटर देन जाओ। तो ये तो सोल्यूशन आपके सीधे सीधे आ गए, क्योंकि तो एक कहता है माइनस टू से ग्रेटर देन जाओ, दूसरा कहता है फाइव से लेस देन जाओ। आप इक्वेशन देखो तो दिख गया, बट अगर आप नंबर लाइन बनाना चाहते हो तो एक कहता है फाइव से लेस देन जाओ, एक कहता है माइनस टू से ग्रेटर देन जाओ। तो अब देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में तो यही एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और सोल्यूशन सेट क्या कहलाएगा सिस्टम का, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, टू से लेकर फाइव, तो ये यहाँ भी आपने बना लिया है और नंबर लाइन ग्राफिकली भी देख लिया है कि टू से फाइव कौन सा क्या हो जाएगा, तो माइनस टू से फाइव। तो इस तरीके से आपको काम कर लो, ठीक है, सोल्यूशन सेट वाले क्वेश्चन। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा अपने से, एक सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन देन आंसर।